30 नवंबर संसद से प्रधानमंत्री गायब, 1 दिसंबर संसद से प्रधानमंत्री गायब, 2 दिसंबर संसद से प्रधानमंत्री गायब, 3 दिसंबर संसद से प्रधानमंत्री गायब, 6 दिसंबर संसद से प्रधानमंत्री गायब, फिर 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20 दिसंबर, कुल मिलाकर 16 दिन गुजर गए। प्रधानमंत्री सिर्फ एक बार संसद आए 29 नवंबर को। संसद है या मंदिर कि जब मन करेगा तभी आएंगे। खैर, पीएम संसद से गायब रहे, पीएम कहाँ गए ये कोई सवाल नहीं उठा रहा। कहाँ ही गया है, समर्थ को नहीं दोष को साई। प्रधानमंत्री हैं, पावरफुल हैं, उनके खिलाफ भला बोलेगा कौन। लेकिन प्रधानमंत्री यूपी में आजकल क्यों डेरा डंडा डाले हुए हैं, वो भी संसद को छोड़कर, ये भी जान लीजिए। पार्टी के 20 से ज्यादा नेता छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं के पार्टी छोड़ने की चर्चा है। वाराणसी में छन्नू लाल महाराज जैसे समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने बगावत करके रखा है और सपा के साथ खड़े हैं। पूर्वांचल में अखिलेश यादव को जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। योगी सरकार के कामकाज को पब्लिक पहले ही नकार चुकी है। बीजेपी समझ चुकी है कि काम के नाम पर तो वोट नहीं मिलने वाला है, इसलिए अयोध्या के बाद काशी मथुरा के प्लान पर खुद पीएम काम कर रहे हैं। हर दिन शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए दौड़ लगानी पड़ रही है, क्योंकि हवा का रुख पहले ही भांप चुके हैं मोदी, और सर्वे भी कुछ ऐसा ही बता रहे हैं कि बीजेपी नहीं आने जा रही। इनमें से ज्यादातर वक्त या तो यूपी में प्रधानमंत्री को लाज बचाते बीत रहा है, या फिर गोवा या दूसरे चुनावी प्रदेशों में। 18-18 घंटे काम करने वाले प्रधान सेवक जी आजकल अखिलेश के डर से यूपी में घर बनाकर बैठ जाएं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रधान सेवक जी आजकल उत्तर प्रदेश में अपनी लाज बचाने में जुटे हैं। डर है कि अखिलेश कहीं वाराणसी, पूरा पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी और उत्तर प्रदेश ले ना उड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश हाथ से गया तो 2024 भी हाथ से चला जाएगा। इसलिए बेचारे प्रधान सेवक को कभी गंगा में डुबकी का इवेंट करना पड़ रहा है, और कभी जनता के बीच ना चाहते हुए भी योगी योगी रटना पड़ रहा है। जानते हैं इसमें सबसे ज्यादा जोक वाली बात क्या है? अभी कुछ ही दिन पहले सत्ता पक्ष के सांसदों को संसद में उनकी गैर मौजूदगी की वजह से पीएम मोदी ने फटकार लगाई थी और कहा था कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें संसद में मौजूद रहना चाहिए। लेकिन यहां तो खुद ही पीएम उड़नचू बने हुए हैं। बीजेपी को लग चुका है कि वो सत्ता में नहीं आने जा रहे, इसलिए ताबड़तोड़ फीता काटो कार्यक्रम चल रहा है। वैसे बीजेपी में एक ही तो काबिल नेता बचा है, बाकी तो सारे किसी काम के नहीं, इसलिए उसी काबिल नेता को गोवा में भी घुमा रही है बीजेपी और यूपी में भी फीते कटवा रही है बीजेपी। भाई, नरेंद्र मोदी ठहरे प्रधानमंत्री, संसद में आए या ना आए उनसे सवाल कौन पूछेगा। अमा एक अकेले आदमी से 18-18 घंटे या तो काम करवा लो या चुनाव प्रचार करवा लो। जाने माने पत्रकार आदेश रावल ने जब इस तस्वीर को ट्वीट किया, उसके बाद तो लोगों के रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। प्रियंका सिंह ने लिखा, 18-18 घंटे चुनाव प्रचार का नतीजा है कि साहब देश को इस बुलंदी तक ले जा पाए। अब विपक्ष वाले चाहते हैं कि वो संसद में भी उपस्थित रहें, ऐसा कैसे हो सकता है, एक बंदा कितना काम करे। विमल शर्मा नाम के यूजर ने लिखा, इन दिनों वो कहां रहे, जरूर भाजपा के चुनाव प्रचार में लगे होंगे, तनख्वाह सरकार से, काम पार्टी का, वाह अजीब तरह के ईमानदार है हमारे प्रधानमंत्री जी। हिमांशु उपाध्याय नाम के एक यूजर ने जबरदस्त जवाब दिया, 36 घंटे काम करते हैं गोभी जी, सुबह 4 बजे उठते हैं, 3 घंटे सोने के बाद हवाई यात्रा में भी फाइल्स के साथ फोटो खिंचवाते हैं, और कितना काम करेंगे भाई, दिन में 5 बार कपड़े बदलते हैं, उसमें भी तो टाइम लगता है। अब आप बोलोगे कि संसद में भी आओ, जब नहीं आएंगे गोभी जी, अब सीधे नई वाली में आएंगे। खैर, संसद से गैर हाजिर होने पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।